नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गदा चौक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि बारिश के दिनों में जलभराव की स्थिति आसपास की बस्तियों तथा मोहल्ले में निर्मित ना हो और बारिश के पानी का फ्लो बना रहे। गदा चौक के पास का पुल छोटा होने तथा पूरी तरीके से जाम होने के कारण वैशाली नगर खुर्सीपार केनाल राजू नगर की तरफ से आने वाले पानी को निकलने में प्रत्येक बारिश में समस्या होती है, जिसके चलते समीपस्थ बस्तियों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा पुल को व्यवस्थित तरीके से निर्माण किया जा रहा है ताकि इस बारिश में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो और पानी निकासी आसानी से हो सके। पुल निर्माण का काम तेज गति से किया जा रहा है और निगम के अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने बड़े नालों की सफाई और नालियों की सफाई सघन रूप से करने के निर्देश सभी जोन आयुक्तों को दिए हैं। मानसून को देखते हुए भिलाई निगम अलर्ट हो गया है। निगम क्षेत्र में जहां जहां पर जलभराव की समस्या निर्मित होती थी उन क्षेत्रों में नालों की सफाई की जा चुकी है। देखिए एक्चुअल में गदा चौक के पास में जल भराव की शिकायतें आती थी, बहुत साल से आती रही हैं। और यहाँ पे जो गदा चौक के पास में एक पुल है जो संकीर्ण हो चुका है और जिसमें जल भराव इसके आसपास के क्षेत्रों में संकीर्ण होने कारण और मलबा और जमने के कारण में आता है। ऐसे समस्याओं को देखते हुए माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर बड़ा पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो राजीव नगर क्षेत्र से खुर्सीपार केनाल रोड से जो आने वाला जल प्रवाह है बारिश के दिनों में खासकर जो जल भराव समस्या होती है उससे निजात मिलेगा और पानी निकासी सुदृढ़ होगा। इसको लेकर के जो है गदा चौक में तीव्र गति से पुलिया निर्माण का काम चल रहा है और आसपास की नालियों का भी जो मरम्मत का काम है उसको भी देखा जाएगा कि वहां पर कोई ऐसी समस्या न हो। अभी निगम प्रशासन जो है वो पानी निकासी और जल भराव वाले क्षेत्रों में ज्यादातर जो है फोकस करते हुए यह देख रहे हैं कि जल भराव की जो समस्या है वो बारिश के दिनों में न हो। ऐसे जो आसपास के क्षेत्र हैं, बड़े नाले हैं, नालियां हैं, उनकी सघन सफाई की जा रही है और नालियों की सफाई, नालों की सफाई करके पानी निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। बरसात के दिनों में सुपेला गदा चौक से लेकर के सुपेला चौक तक जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है, चूँकि आसपास की नालियों की साफ सफाई नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं की जाती, जिसकी वजह से नालों के जरिए नालियों में पहुँचता पानी सड़कों तक आता है, जिससे आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस समस्या से स्थायी रूप से लोगों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा सुपेला गदा चौक के समीप इस नाले का निर्माण के कार्य अभी बरसात पूर्व शुरू किया गया है, जो अभी आधा अधूरा है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन लोगों से काम कराए जाने की बातें सामने आई थी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त कोई कार्यरत नहीं है। बरसात के जल जमाव की स्थिति से लोग निपटते हैं। हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी तैयारियों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वो तैयारियां केवल कागजों तक ही सीमित रहती, धरातल पर वस्तु स्थिति नजर नहीं आती। अभी जिस तरह से इस कार्य को शुरू किया गया है, बरसात शुरू होने को है, बरसात शुरू होने में मात्र चार से पाँच दिन मानसून आने को बचे हैं, लेकिन कार्य अभी आधा अधूरा किया गया, केवल निर्माण एजेंसी द्वारा इस गड्ढे का निर्माण कर छोड़ दिया गया है। इससे कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी, क्योंकि हल्की सी भी बरसात गिरते ही सुपेला गदा चौक से लेकर सुपेला चौक तक जल जमाव की स्थिति होती है। लोगों को आवाजाही करते परेशान होना पड़ता है, दुकानों के सामने पानी भर जाता है, सड़कों तक पूरा पानी, गंदा पानी आ जाता है, इसके छींटे आवाजाही करते लोगों को पड़ते हैं। ऐसी स्थिति प्रत्येक वर्ष निर्मित होती है, लेकिन इस तरह से यह प्रयास नगर निगम प्रशासन द्वारा शुरू किया गया, इसे देखकर कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा और जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। नगर निगम प्रशासन को कार्य में तेजी लाए जाने की जरूरत है, बरसात पूर्व इस कार्य को खत्म किए जाने की जरूरत है, ताकि जल जमाव की स्थिति निर्मित ना हो और लोगों को सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।